नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा। मौजूद वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की महाडिबेट का। आज बात उस आपातकाल की जिसने जुल्म और यातनाओं की हद पार कर दी थी। आज उन्हीं मीसा बंदियों को प्रदेश में सम्मानित किया गया तो कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हुआ। राजधानी भोपाल में आपातकाल के दौरान सरकार के विरोध करने पर जेल में बंद रहे मीसा बंदियों का सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मान किया। उनको सुविधाओं की सौगात दी, साथ ही आपातकाल को पाठ्यक्रम में शामिल करने का भी ऐलान कर दिया। उधर कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी आपातकाल को पढ़ाकर साबित क्या करना चाहती है। सीएम का बड़ा ऐलान, मीसा बंदियों का सम्मान। कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को सर्किट हाउस विश्राम गृह में 50% की छूट और 3 दिन तक खेलने की छूट दो, बिल्कुल हो जाएगी, कोई मना नहीं है। इसमें क्या दिक्कत है? सरकार के सम्मान पर क्यों सियासी तकरार? क्यों दी जा रही है, इस पर प्रश्न चिन्ह कई सालों से लगा हुआ है, क्योंकि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता उसमें शामिल हैं, पैसा मिल रहा है, इसलिए वो इसकी सुविधाएं बढ़ाने के लिए शासन से प्रयास कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग कि मीसा बंदियों के जो पेंशन मिलती है इनको सम्मान निधि को बंद करना चाहिए। आपातकाल का दर्द जानना है जरूरी। सत्याग्रही आंदोलन था, चलाने का काम हमारे पूर्वजों ने किया, इसका हमें गर्व है। और कांग्रेस ने संविधान की हत्या की, लोकतंत्र की हत्या की, शर्मिंदा कांग्रेस को होना चाहिए। मीसा बंदियों के बहाने इमरजेंसी पर निशाने। एक तरफ सरकार ने मीसा बंदियों के सम्मान में कई ऐलान किए हैं तो वहीं कांग्रेस को इससे एतराज है। अब इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी तकरार बढ़ गई है। लेकिन मीसा बंदियों के सम्मान से कांग्रेस को क्यों एतराज है, ये बड़ा सवाल है। आज मध्य प्रदेश की महाडिबेट में चर्चा इसी पर। मीसा बंदियों के बहाने क्या इमरजेंसी पर निशाना है, आज इसी सवाल का जवाब जानेंगे। महाडिबेट शुरू करेंगे, मेरे साथ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन पहले सवाल क्या है वो देख लेते हैं। सम्मान या सिर्फ सियासत चमकाना, ये सवाल रहेगा। दूसरा सवाल रहेगा आपातकाल की बात तो कांग्रेस क्यों आग बबूला है, कांग्रेस को आखिरकार एतराज क्या है। तीसरा आखिरी सवाल रहेगा दर्द की कहानी कितना जरूरी है जानना, क्या अभी भी जरूरी है कि हम जाने कि आपातकाल में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। इस सवाल का जवाब भी ढूंढेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अवनीश बुंदेला जी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं गुलरेश शेख जी, मृगेंद्र सिंह जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही मीसा बंदी सुभाष रनाडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करती हूँ कि मीसा बंदियों के सम्मान को लेकर जो सियासत हो रही है उसी पर हमारी आज की ये महाडिबेट है। ये बताइए कि कितना समय आपने उस समय गुजारा था बतौर मीसा बंदी, और उस समय क्या कुछ हुआ था? मैं उस समय विद्यार्थी था, 21 साल की उम्र थी, और मैंने 18 महीने उसमें गुजारे इंदौर की जिला जेल में। शुरू में जेल में व्यवस्था ठीक नहीं थी, बाद में धीरे धीरे थोड़ा संघर्ष किया जब मीसा बंदियों ने तो व्यवस्था ठीक हुई। और जब मुझे पकड़ा गया मैं भूमिगत रहा महीना भर, इधर उधर पर्चे बांटता रहा, कुछ ना कुछ गतिविधियाँ चलाते रहे हम कुछ साथियों के साथ, और अंत में मैं 29 जुलाई को पकड़ा गया इंदौर के भंवरकुआं थाने पर जी। और फार मेरे घर में मेरे पिताजी थे और मेरी माँ थी, उस समय शादी वगैरह हुई नहीं थी, हमारे 5-6 लोगों का परिवार था, और तकलीफ तो हुई, थोड़ा बहुत आर्थिक आधार मेरा भी होता था घर में, तो घर में तकलीफ तो हुई उस समय। लेकिन एक ये पुराना काला अध्याय है एक भारतीय इतिहास का, जिसको कोई याद नहीं करना चाहेगा। भारतीय जनता पार्टी जरूर याद कर रही है, कांग्रेस ने इसके ऊपर माफ़ी भी मांगी 2-4 बार, तो ये एक अध्याय है। मैं राजनीति में बाद में सक्रिय नहीं रहा ज़्यादा, मैं पत्रकारिता में रहा,
इसलिए मुझे कोई इसके ऊपर ज्यादा मतलब बोलना नहीं चाहिए। सुभाष जी, एक और सवाल, और एक नहीं इनफैक्ट दो सवाल है मेरे आपसे। एक, क्या जिस समय आपने कहा कि आप पर्चे बांट रहे थे और आप बंद किए गए, क्या उस समय आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे? एक सवाल तो ये, और दूसरा ये जो सिलेबस में शामिल करने की बात कही गई है, क्या उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, सिलेबस में तो हर चीज होना चाहिए, जो भी इतिहास है वो इतिहास है, उसको भुलाया नहीं जा सकता, इसलिए सिलेबस में, लेकिन उसको बहुत बहुत डिटेल में, सारा सिलेबस में उसको नहीं होना चाहिए। एक उस समय की जो सरकार ने असंवैधानिक कदम उठाया था, इसका उल्लेख जरूर होना चाहिए, लेकिन ये कोई बहुत, अभी उसके बाद में भी बहुत सारी चीज़ें हुई है, उनका भी उल्लेख होना चाहिए। तो सिर्फ इसका ही उल्लेख हो ये ठीक नहीं है। मैं NCERT के पाठ्यक्रम को देख रहा हूँ लगातार, उसमें कई चीज़ें जो है वो वर्तमान सरकार के प्रिय चीज़ें हैं वो डाल रहे हैं, जो अप्रिय चीज़ें हैं उनको हटा रहे हैं, ये भी तो हो रहा है। जो उनकी पॉलिटिक्स को सूट करता है, सोशलिस्ट ग्रुप से जुड़ा था, जो उनकी पॉलिटिक्स को सूट करता है उसे शामिल किया जा रहा है, जो सूट नहीं करता है वो हटा दिया जा रहा है। ठीक है गुलरेश शेख जी, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। वो हटा दिया जा रहा है, क्यों? ठीक है, काला दिन था, वो काला वक्त था, इतिहास को हर किसी को अवगत कराना चाहिए, जानना चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ क्योंकि वो आपकी पॉलिटिक्स को सूट करता है इसीलिए आपकी सरकार इसको लेकर इतनी प्रतिबद्ध दिख रही है, या आपकी नीयत साफ है, नेक है? देखिए अपर्णा, जो इतिहास होता है वो है कि वो चीजें दोहराई नहीं जाए। हम इतिहास को इसलिए दोहराते हैं, इसलिए पढ़ाते हैं, इसलिए उसका स्मरण करते हैं कि आगे वो गलतियां नहीं हो जो की गई थी। तो क्या आप चाहते हैं या हम में से कोई भी चाहेगा इस पैनल में कि देश में वापस से इमरजेंसी लगे? कोई नहीं चाहता है, इसीलिए उसको स्मरण करना आवश्यक है। और हर देश जो उनके अध्याय में, उनके इतिहास में जो काले अध्याय होते हैं उनका स्मरण करते हैं। इंग्लैंड में भी एक बार डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश की गई थी, तो आज भी उसको बिल्कुल सेलिब्रेट किया जाता है कि किस प्रकार से उसको फेल किया गया था। तो हर देश इसके लिए काम करता है, करना चाहिए, और तभी वो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स जो है वो जिंदा रहती है। और जिन लोगों ने संघर्ष किया, देखिए फ्रीडम फाइटर्स का कॉन्सेप्ट हर दुनिया के हर जगह होता है कि जो लोग अपने मुल्क के लिए, मुल्क के संविधान के लिए, मुल्क की गरिमा के लिए अपनी जान देते हैं या कष्टों को झेलते हैं उनको मुल्क सम्मान करता है, तो ये तो होना भी चाहिए। तो हमने इसमें क्या गलत किया? मीसा बंदी जो थे, जो आज बुजुर्ग हो चुके हैं, यदि उनको सम्मान किया जाए तो क्या बुरी बात है? यदि उनको कुछ इस बहुत बड़ी चीजें नहीं है ये कि अगर एम्बुलेंस की उनको स्वास्थ्य के लिए जरूरत पड़े तो 25% का उनको सहयोग दे दिया जाए, उनको 50% उनको जो सर्किट हाउस में या गेस्ट हाउस में रुकने में कम कर दिया जाए पैसा, या उनको टोल फ्री कर दिया जाए, तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन सामने वाले को इससे इज्जत मिलती है। और जो लोग अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते ना, उनको भी फिर इज्जत नहीं मिलती है। ये हमारे संस्कार है और संस्कार का हम पालन कर रहे हैं, और देश में कभी भी इमरजेंसी नहीं लगेगी इसकी गारंटी भारतीय जनता पार्टी देती है, तो इसीलिए स्मरण करवाती है कि कोई भी ऐसा प्रयास नहीं करे जो इंदिरा ने किया था। जी अवनीश मुंदेला जी, आपकी पार्टी के नेता सदन के अंदर संविधान की पुस्तक दिखा रहे हैं और यहां पर बीजेपी सरकार हर मंच पर यह बात दोहरा रही किस तरह 1975 में संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दमनकारी नीतियां अपनाई गई लोगों की आवाज को कुचलने के लिए। अपर्णा जी, इस बात को 50 साल हो चुके हैं, और 50 साल में अगर देखा जाए 21वां साल चल रहा है मोदी सरकार का, 10 साल मोदी जी के और पहले अटल जी और भी इनकी सरकारें नहीं, मतलब 21 साल से आपकी सरकार है 50 साल में। और मीसा बंदियों की पेंशन कभी बंद नहीं की गई, कांग्रेस की सरकार रही, हमने भी प्रयास किया कि हाँ उनको उनका सम्मान मिलता रहे। हम तो इसको सम्मान निधि बोलते हैं, हम पेंशन नहीं बोलते, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अभी जो माननीय मीसा बंदी हमारे साथ, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि सरकार अपनी मर्जी की चीजें पाठ्यक्रम में जोड़ रही है और जो उसको पसंद नहीं उनको हटा रही है। और मोहन यादव जी, जब से मुख्यमंत्री बने हैं, शिक्षा विभाग को, मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग को, शिक्षा तंत्र को उन्होंने एक प्रयोगशाला बना लिया है, और उनकी इस प्रयोगशाला के कारण वो अपनी मर्जी की चीज जोड़ते हैं और निरंतर भ्रष्टाचार हो रहा है। हम तो कह रहे हैं मोहन यादव जी, अगर आपको शिक्षा विभाग में कुछ जोड़ना है, कुछ सुधारना है, तो निवेदन है हमारा, एहसान होगा आपका कि व्यापम भर्ती घोटाले ऐसे घोटाले रुकवा दो, पेपर लीक रुकवा दो, नर्सिंग घोटाले रुकवा दो,
पटवारी भर्ती घोटाले रुकवा दो, जो नीट का पेपर लीक हो रहा है ये रुकवा दो, इससे छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। और जहां तक देखिए मीसाबंदी की बात है, तो शायद इनको जानकारी नहीं है, मोहन यादव जी को, भाजपा के लोगों को, कि मीसा एक कानून है इस देश में। सोचिए कितनी लोकतांत्रिक सरकार रही होगी, ये बताएंगे कि एक कानून तक है और उसी कानून के नाम पर लालू यादव जी ने अपनी बेटी का नाम रखा था मीसा यादव, ठीक है। और सबसे 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 खास बात आप समझें कि हम ये कहते हैं कि अगर आपको करना अच्छा करना तो आप बेहतरी के लिए करिए। और देखिए पेंशन उनको निरंतर, ये बात सही है कि आप पेंशन वालों वाले, देखिए जो पेंशन पाने वाले थे वो निश्चित पा रहे हैं, लेकिन हाँ उसमें ये जांच भी होना चाहिए कि भाजपा के नेता उसमें कितने हैं जो संपन्न भी हो गए उसके बाद भी पेंशन ले रहे हैं, क्योंकि लाडली बहना योजना की जो आप 1200 रुपए राशि देते हैं कभी कभार, उसके लिए हर 3 महीने में उस बहन को जाके अपना वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। अगर नॉर्मली आप पेंशन पाते हैं बुजुर्ग लोग, उसके लिए भी आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है कि आप जिंदा है कि नहीं है, क्योंकि गुणेश जी देखिए आप पेंशन की बात, आपके सिग्नल आवाज आवाज ब्लर हो रही है, आपके सिग्नल में थोड़ा सा एरर है, तो आप स्क्रीन पर नजर भी नहीं आ रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगी, आपको जवाब देने का पूरा समय दूंगी, लेकिन यहाँ पर अभिनीत जी आपको रोकते हुए मैं अपने अगले मेहमान को भी शामिल कर रही हूँ। आवाज नहीं आ रही क्या अपर्णा जी? अभिनीत जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ मैं सुना, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं नहीं आपकी आवाज पूरी आई, आपकी आवाज पूरी आई, पूरी बात सुनी गई है आपकी। मैं कह रही हूँ कि मैं मृगेंद्र सिंह जी के पास अब जा रही हूँ। ठीक है ठीक है, ओके ओके, डन डन। मृगेंद्र सिंह जी, ये हम सब जानते हैं कि हर मुद्दे को सियासी दल सियासी टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब एक बार फिर से मीसाबंदियों के सम्मान को लेकर प्रदेश में जो सियासत छिड़ी हुई है, फ्लैशबैक में देखना जरूरी है, लेकिन जो अभी वर्तमान के मुद्दे हैं उनका निराकरण कैसे होगा? देखिए अपर्णा जी, ये तो राजनीति है, जो दल सत्ता में आता है तो वो अपने हिसाब से सरकार को चलाता है, अपने हिसाब से नीतियां बनाता है, अपने लोगों को किस तरह वोलाइज करना है वो करता है, और उसके लिए पार्टी कैसे मजबूत हो ये लक्ष्य होता है। हर हर दल, कोई भी दल हो जो सत्ता में होता है, तो अपने लोगों को वोलाइज करने की पूरी कोशिश करता है, ताकि देखिए सरकार जो बनती है तो कार्यकर्ताओं के दम पर ही सरकार बनती है। तो अगर अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को वोलाइज करते हैं तो मैं नहीं समझता कि गलत है। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती तो उनके जो थो उनके लिए करती, अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो मीसाबंदियों के लिए कर रही, या और जो उनके नेता हैं जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया या सरकार के देश के लिए काम किया, आज़ादी में काम किया, वो सब चीज़ें हैं तो सब काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई गलत नहीं है, और जो भी पार्टी होगी तो वो करेगी। जी सुभाष जी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सुभाष जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता था कि जब इमरजेंसी लगी थी उस समय सबसे मुख्य बात थी मीसा का विरोध, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट जो था उसके अंदर यह प्रावधान था कि बिना किसी को कारण बताए और मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जाएगा। तो सिद्धांततः आज भी ऐसे कई कानून हैं, ये हटाना चाहिए। अगर आपको आपातकाल को याद करना है तो ऐसे कानूनों को हटाना चाहिए जो किसी को बिना मुकदमा चलाए और बिना कारण बताए जेल में बंद कर सकते हैं। आज भी कई लोग सामाजिक कार्यकर्ता जेल में बंद है, तो ये एक सिद्धांत की लड़ाई थी, इसलिए हम उसमें शरीक हुए कि ऐसा लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए कि किसी को बिना वजह बताए आप उसको अंदर कर दो। ये आज भी हो रहा है, तो इससे सबक लेते हुए सरकार को अगर कुछ करना है तो ऐसे कानून समाप्त करना चाहिए जो बिना मुकदमा चलाए किसी को भी बंद करने की इजाजत उसको देते हैं। ठीक है गुलरेश शेख जी, आप पहले कुछ कहना चाह रहे थे, उस बात को भी अपनी कंप्लीट कीजिएगा, और यहाँ सुभाष जी की बात का जवाब भी दीजिएगा कि नाम भले ही बदल गया है लेकिन ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं आवाज को दबाने के लिए। नहीं देखिए, ये बात सच है कि यूपीए की सरकार में जेलें भरी हुई थी, मनमोहन सिंह के कालखंड को भी आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसी चीजें हुई, भाजपा के कार्यकर्ता और नेताओं पर भी हुई है, विरोधियों के ऊपर भी हुई है, तो इस प्रकार के काम कांग्रेस करती रहती है। लेकिन ये जो मीसा की बात है ना, ये मीसा कानून तो इस प्रकार का था कि मेरी खुद की आरटीआई, तो अगर आप टाइम देंगी मुझे तो मैं थोड़ी देर में निकाल के दिखा दूंगा वो पेजेस थोड़ा सा हटके, कि मैंने खुद ने आरटीआई लगाई थी इसके ऊपर कि मीसा के समय, इमरजेंसी के समय
कितने लोग जेलों में मारे गए उनका नंबर बताएं, कितने लोगों की डेथ हुई, और जवाब ये आता है आरटीआई का कि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि इमरजेंसी के दरमियान कितने लोगों की डेथ हुई जेल्स में। तो आप ये समझिए कि रिकॉर्ड क्यों नहीं है, रिकॉर्ड क्या नहीं था, या रिकॉर्ड को बनाया नहीं गया, या ध्वस्त कर दिया गया कि कुछ आगे क्रिमिनल प्रोसीजर इंदिरा और उनके कुनबे में नहीं हो। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, और ये सवाल जब तक नहीं उठेंगे जब तक के आप बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं। हर चीज में इतिहास के रिसर्च होना आवश्यक है, और ये इतिहास का एक काला अध्याय है, इसको आप बंद नहीं कर सकते। जब तक के ये, अगर ये बंद हो गया तो आगे फिर कोई ना कोई इंदिरा पैदा होने की संभावना रहती है, वो संभावना को खत्म करना है। अवनीश बुंदेला जी, लेगेसी में सब कुछ मिलता है, लेगेसी में खजाना भी हाथ आता है और लेगेसी में कर्जा भी चुकाना पड़ता है, ये कह रहे हैं गुलरेश शेख जी। तो इसीलिए इतिहास तो पढ़ाना पड़ेगा ना, जो भी इतिहास का हिस्सा रहा। अपर्णा जी हम स्वीकार करते हैं, इंदिरा जी ने बकायदा इसके लिए खेद प्रकट किया था, और आप देखें हम 77 में बुरी तरह हम चुनाव भी हार गए थे, हमने उसको पे भी किया, भुगता भी। बाकी जो अभी पेंशन की बात हो रही थी, पेंशन कभी बंद नहीं की गई, लेकिन हाँ पेंशन बंद की गई कर्मचारियों की अटल बिहारी सरकार के द्वारा। आज आप मीसाबंदी की पेंशन के लिए लड़ रहे हैं जो की संख्या में बहुत कम है, लाखों करोड़ों जो आपने कर्मचारियों की पेंशन 2003 में बंद कर दी थी उसके लिए हम तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उस पर आप बात नहीं करते हैं। और सबसे एक खास बात इसमें आप देखें अपर्णा जी, मुश्किलात इस बात की है कि हमने कभी नहीं कहा, लेकिन खुद मोदी जी की सरकार के लिए आडवाणी जी ने कहा कि अघोषित इमरजेंसी है। आप इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है इमरजेंसी थी वो, लेकिन रात को 8 बजे मोदी जी ने आकर जब नोटबंदी की थी और लाइन में लगे हुए 150 से ज्यादा लोग मर गए पैसे निकालने के लिए, और मुंबई दिल्ली से जो मजदूर चले थे भूखे प्यासे चल चलकर सड़कों पर मर गए, उससे बड़ी इमरजेंसी क्या होगी। कम से कम इमरजेंसी में लोग भूखों तो नहीं मरे। मुझे आप बताएं ऑक्सीजन की कमी के कारण, दवाइयों की कमी के कारण कोविड काल में लाखों लोग मरे। उत्तर प्रदेश में गंगा में लाशें तैरती पाई गई जिसके ऊपर पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने हमारी थू थू की, क्या उससे बड़ी इमरजेंसी कोई होगी। आप इमरजेंसी के ऊपर तो बात कर लेते, राजनीति कर लेते हैं, क्या इसके ऊपर कोई कानून नहीं बनना चाहिए कि मोदी जी कैसे आपने नोटबंदी कर दी। और इसके अलावा आपने कहा था एक देश एक निशान एक देश एक कानून, और आप एक काला कानून लेकर आते हैं जिसका किसान विरोध करते हैं। आप पहले उनको आंदोलनजीवी कहते हैं, उनको खालिस्तानी कहते हैं, उनको पाकिस्तानी कहते हैं, उसमें 800 किसान मारे जाते हैं, और उसके बाद आप कानून वापस लेते, मतलब खुद ही आप कानून देते हैं, खुद ही वापस देते हो। इन 800 किसानों का हत्यारा कौन है, क्या ये इमरजेंसी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हमें तो आप इस बात का जवाब दें, जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनसे ज्यादा आदरणीय सुभाष जी का मैं अब साधुवाद दूंगा, सुभाष जी ने बहुत सटीक बात कही, बिल्कुल सही कहा कि शायद गुलरेज शेख साहब समझ नहीं पाए उस बात को, शायद वो इसलिए क्योंकि वो भाजपा के चश्मे से देख रहे होंगे, वो यूपीए सरकार पर चले गए, भूल गए कि 10 साल से सरकार उनकी है। और ऐसा कभी नहीं हुआ आजाद देश में कि दो मुख्यमंत्री, चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन बिना किसी कारण के जेल में। आज की तारीख में ईडी चाहे ऐसे कई हजारों लोग जेल में बंद हैं बिना किसी कारण के, और 2 साल बाद छोड़ दिया जाता है कि नहीं नहीं आप तो बेगुनाह हैं। तो ये क्या इमरजेंसी नहीं है, फर्क कितना है। उस समय इमरजेंसी घोषित थी अपर्णा जी, आज अघोषित इमरजेंसी देश में। सुभाष जी ने बिल्कुल सटीक जवाब नहीं था, नहीं कह पाए, इसलिए बात यहाँ वहां घुमाते रहे। वो सुभाष जी का साधुवाद करूंगा कि उनने इस डिबेट को एक बहुत अच्छी धार दी, दिशा दी। अपर्णा देखिए किस तरह से झूठ का प्रचार काम करता है, आज खुद अवनीश बुंदेला ने उसको कबूल लिया कि अभी कुछ दिनों पहले। अरे भैया गुलरेज कुछ पढ़ के आया करो, दिमाग में क्या भरा है, गुलरेज भाई पढ़ के आया करो जरा, गुलरेज भाई पढ़ के आया करो जी, बोलने दीजिए। सुभाष जी ने किया था और आप क्या कह रहे हो, सुभाष जी ने कहा कि अभी वर्तमान में बंदे हैं और आप सरकार पर क्या कह रहे हो, नहीं आप जो बोलने नहीं दे रहे हो कांग्रेस के लोग क्या है, बुंदेला जी डॉक्टर माना कि आपकी आवाज आपकी बात पूरी कहने का मौका मिला, अपना झूठ बोलते हैं, जवाब नहीं दिया, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, अभी जी बोलने दीजिए उन्हें, जब कहा इनका आवाज डाउन करो ना, नहीं तो मुझे आपका ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा अवनीश जी, ऑडियो डाउन करता हूँ उनका।
देखिए, झूठ का साम्राज्य कैसे काम करता है पढ़ना, अभी खुद अवनीश बुंदेला जी ने कबूल कर लिया। लोकसभा चुनाव के पहले इनके सोशल मीडिया डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ने एक झूठी अखबार की न्यूज छाप दी थी कि आडवाणी जी ने कहा कि देश में अघोषित इमरजेंसी है, क्योंकि वो बात सरासर झूठ थी, वो प्रूव हो गई। लेकिन खुद कांग्रेस के प्रवक्ता को लग रहा है कि वो सच थी। इस प्रकार से झूठ की मशीनरी और फैक्ट्री चलाती है कांग्रेस पार्टी। आडवाणी जी ने ऐसा कभी नहीं कहा, इनके डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ने ये काम किया था। और आप देखिए ना कि इमरजेंसी की जब भी बात आती है ये क्यों डिफेंसिव बन जाते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि आज अगर जीतू पटवारी भाजपा कार्यालय में चले जाते और वहां पर इमरजेंसी के जो पीड़ित लोग थे, जो मीसा बंदी थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, उनका सम्मान कर देते कांग्रेस की तरफ से, तो क्या तकलीफ होती? ये सब बात ही नहीं होती आज। अगर आपको सही में लग रहा था गलत था तो जीतू पटवारी को जाना था, उनको सम्मान करना था कांग्रेस कार्यालय में। तो जल्दी से अपनी जी 30 सेकंड में आपका जवाब, 30 सेकंड में जवाब, आगे बढ़ रही हूँ जी। अपर्णा जी, अपर्णा जी, 50 साल में 21 साल इनकी सरकार रही और लगभग 24 साल हमारी सरकार रही। हमने कभी मीसाबंदियों की पेंशन बंद नहीं की, हमने कभी उनकी सुविधा बंद नहीं की। इस बात का जवाब मुझे लगता है सुभाष जी दे। मेरा सिर्फ एक ही इनसे सवाल था कि आप शिक्षा विभाग की बदहाली पर क्यों चुप हैं, आप पेपर लीक पर क्यों चुप हैं? हमने जब कहा कि इमरजेंसी, हमने आडवाणी जी खुद का उत्तर, आप क्यों चुप हैं? सुभाष जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा, सुभाष जी ने स्पष्ट कहा कि अभी भी कई लोग बनने, दो चुनौती मुख्यमंत्री बनने, कई सारे लोग जेल में बनने, ये इमरजेंसी नहीं है क्या? इस व्यक्ति में जवाब नहीं है, ठीक है। पहली बात तो मृगेंद्र, ठीक है, आप दोनों ने बोल लिया है, ठीक है, शांत हो जाइए मृगेंद्र सिंह जी, क्योंकि सियासत को जनता के मुद्दे अब क्या चुनाव के बाद सूट नहीं करते हैं, दिल्ली का ख्याल है, इसीलिए हर मंच पर, हर मोर्चे पर काला दिवस इमरजेंसी की बात दोहराई जा रही है, या याद करना होगा ताकि आगे ऐसा वक्त दोबारा ना आए? नहीं देखिए अपर्णा जी, मैं तो पहले सुभाष जी ने जो कहा है उस बात से सहमत हूं कि इस तरह के जो भी कानून हो, इनकी पुलिस जिसको चाहे जब उठा के बंद कर दे बिना किसी पूछताछ के, सारे कानून समाप्त होना चाहिए। इसके लिए कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं, सभी दलों को मिलकर करना चाहिए, क्योंकि कभी बहुत सारे कानून ऐसे हैं कि पुलिस बिना पूछे जिसको चाहे तो उठा के रात भर बंद किए रहती है, जानकारी देती नहीं, और अगर वो कोई किसी दल से जुड़ा हुआ है या कभी किसी की शिकायत की तो उसके खिलाफ और कार्रवाई की। तो मैं तो कहूँगा सभी दलों को मिलकर इस पर विचार करना चाहिए कि किस तरह से जो कानून जनता के हक में नहीं है, जनता को परेशान करने वाले, या पुलिस जिसको चाहे या प्रशासन जिसको चाहे बिना किसी कानून है, कारण के बंद कर दे या उठा ले जाए, दमनकारी कानून जितने भी सब समाप्त होना चाहिए। हाँ। इसके लिए दोनों दलों को एक साथ होना चाहिए, सभी को एक साथ आना चाहिए कि यहाँ पर बात सिर्फ सियासत की नहीं हो रही है ना, बात जनता के सरोकार की हो रही है और तमाम और भी ऐसे मुद्दे जिनको लेकर जो तमाम दल के जो रहनुमा बनते हैं जाते हैं वोट मांगने के लिए, उनका समाधान भी उन मुद्दों का होना भी चाहिए। इस चर्चा में समय इतना ही था, आप सभी का ही बहुत बहुत धन्यवाद मध्य प्रदेश की मां डिबेट में शामिल होने के लिए। मीसाबंदियों का सम्मान जरूरी है, लेकिन जो इस पर सियासत हो रही है क्या वो जरूरी है या नहीं जरूरी है, तमाम मुद्दे जिन पर बात होनी चाहिए वो कितने गैर जरूरी हो जाते हैं इस बहस में, इस पर भी ध्यान करना बेहद जरूरी हो जाता है। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में इतना ही, खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए।